वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू राजोत्री आई एम पीयूश गुड मॉर्निंग करते हैं आज का MCQ सेशन. So, first article जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं इट टॉक्स अबाउट योर आईलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार अंडमान निकोबार आईलैंड के बारे में ये बात कर रहा है आर्टिकल जो एक नया डेवलपमेंट प्रपोजल जो है सरकार की तरफ से आया है फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसको आप नीति आयोग के नाम से जानते हो तो उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रपोजल जो है वो रखा है उसके रिगार्डिंग दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट ओके गुड मॉर्निंग अतीत गुड मॉर्निंग अतीत डेवलपमेंट प्रपोजल विद रिस्पेक्ट टू द अंडमान निकोबार आईलैंड ये क्या किन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में टॉक्स अबाउट सो अ न्यू प्लान फ्लोटेड फॉर द सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट जो ये आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार का उसकी सस्टेनेबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलरली ऑफ द रीजन ऑफ लिटिल अंडमान नीति आयोग हैज कम अप विद दिस प्रपोजल ओके गुड मॉर्निंग मोहित गुड मॉर्निंग वट इज द टाइटल द टाइटल इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटल अंडोमान आईलैंड विजन डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट है जो अभी प्रपोज किया है नीति आयोग ने विच इज नॉट येट एज सच इन पब्लिक डोमेन बट येस सम न्यूज हैज कम आउट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्लान एंड दिस इज वॉट द टाइटल हैज बीन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटल अंडमान आईलैंड विजन डॉक्यूमेंट ओके गुड मॉर्निंग विकास गुड मॉर्निंग धीमान ओके थैंक यू थैंक यू मोहित थैंक यू फॉर दैट सो क्या नीति आयोग कह रहा है कि नीति आयोग ने ये जो प्रपोजल है जो रखा है वॉट डज नीति आयोग वॉन्ट बाई इट दैट इट वॉन्ट्स टू लेवरेज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड फॉर दैट मैटर द लक्षद्वीप आइलैंड ऑल्सो दीज आइलैंड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एज फार एज द देयर लोकेशन इज कंसर्न इंडियन मेनलैंड के से हट के जब हम बात करते हैं हमारे द्वीपों की हमारे आईलैंड की तो एक चीज आप समझो जब हम इंडियन सिक्योरिटी सीनारियों की बात करते हैं हमारे सिक्योरिटी डोमेन की बात करते हैं तो इनकी जो लोकेशन है वो लोकेशन जो है बहुत पिविटल रोल प्ले करती है क्योंकि वहां से जो है आप बहुत सारे कोस्टल डिफेंस चीजों को मॉनिटर कर सकते हो आप इंडियन ओशन के ऊपर यू कैन कीप अ आई ऑन एरियाज। दैट दैट व्हाई व्हाट नीति आयोग सेड इट वांट्स टू लेवरेज द स्ट्रेटजिक लोकेशन एंड नॉट जस्ट द स्ट्रेटजिक लोकेशन ये तो एक एस्पेक्ट है ही है इसके अलावा द नेचुरल फीचर्स ऑफ द आईलैंड यहां वेरियस वेरियस तरीके के जो नेचुरल फीचर्स हैं उसके रिगार्डिंग भी नीति ने बात कही है अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस एस्पेक्ट और द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ द आइलैंड एंड इट्स लोकेशन सो व्हाट दे प्रपोज टू डू इज दैट दे प्रपोज टू बिल्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट अभी क्या है यहां पे इट द राइट द करंट द एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स विच द एयरपोर्ट इन अंडमान कैन होस्ट आर ऑफ स्मॉलर टाइप्स वेयर एज वॉट दे आर वॉन्टिंग इज दैट फॉर डेवलपिंग इट मोर एज ए टूरिज्म हब देखो यहां नेचुरल फीचर्स को भी एक्सप्लोयर करने की बात कर रहे हैं नेचुरल फीचर्स को भी सो दे वॉन्ट टू डेवलप एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड दे से दैट दिस इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच दे आर प्रपोजिंग जो ये नया डेवलपमेंट इसका प्लान कर रहे हैं आईलैंड में उसके रिगार्डिंग दे आर से

अदर रीजन ऑफ द कंट्री क्योंकि आईलैंड है यह मेनलैंड नहीं है एक तो दो बात हो गई यहाँ पे एक तो जो है इस अंडमान निकोबार आइलैंड की कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड प्लस द ग्लोबल कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी विद द आउटसाइड वर्ल्ड सो इफ यू गो एंड डेवलप एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विचविल बी एबल टू केटर टू दार्जर द बिगर फ्लाइट ऑल्सो द बिगर एयरक्राफ्ट ऑल्सो

वॉट नेक्स्ट आर दे सीट देर विल बी अंडर वॉटर रिजोर्ट ऑल्सो गोल्फ कोर्स टू डेवलप इस रीजन में और फर्दर जो है और जो चीजें डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस गोल्फ कोर्सेज आपने देखा भी होगा कई कंट्रीज ने अंडर वॉटर ये डेवलप किए भी हैं तो उसके रिगार्डिंग भी जो है ये प्रपोजल बाय द नीति आयोग टॉक्स अबाउट ओके

आइलैंड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ओके चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन नाउ सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेन डिग्री नॉर्थ लाइन ऑफ लैटिट्यूड सेपरेट द अंडमान आईलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड और सेकेंड स्टेटमेंट वॉट स्टेटमेंट से सैडल पीक और सैडल हिल इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ अंडमान आईलैंड इन इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट from फ्रॉम हाँ जी आंसर इसका बताइए टाइप करके फटाफट कमेंट बॉक्स में ओके अति धीमान सौम्या के आंसर्स आए हैं और बाकी लोग आप लोगों के आंसर्स हां जी गाइस यस अनन्या अनमोल रोशनी आल्सो चलिए ग्रेट ग्रेट Great for being actively participative in the session. तो पहली जो statement है, जो बात कर रही है, ten degree channel की बिल्कुल ये जो है separate करता है Andaman Island को Nicobar Island से. So this statement here is correct. और जो second statement है, the saddle peak. आपने geography में definitely आपने पढ़ी होगी saddle peak की जो बात कर रही है, दूसरी statement which says that it is located on the north Andaman. स्टेटमेंट हेयर ऑल्सो इज करेक्ट अच्छा ये बता सकता है कोई यहां पर एक नेशनल पार्क भी है विच इज द नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान द नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड विच इज फेमस हेयर इसी नाम से एक नेशनल पार्क भी है कौन सा नेशनल पार्क है वो विच इज द नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद दिस एंड स अतीत इसके अलावा एक और नेशनल पार्क भी है ओके सो देखो इसी नाम से जो है सैडल पीक नेशनल पार्क भी है विद द सेम ने वी हैव अ नेशनल पार्क ऑल्सो दैट इज दैडल पीक नेशनल पार्क एंड देर इज वन इम्पोर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड विद द सैडल पीक दैट इट इज द हाइएस्ट पीक इन द आर् पिलागो हाइएस्ट पीक इन दी आरके पिलागो सिचुएटेड इन दी बे ऑफ बेंगाल जो हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स जिसको हम आके पिलागो कहते हैं तो जो बे ऑफ बंगाल में आके पिलागो सिचुएटेड है उसमें हाइएस्ट पीक है ये सैडल पीक ठीक है यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली अनन्या करेक्ट स्टेटमेंट बोथ वन एंड टू येस एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये सैडल पीक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए जब भी हम आईलैंड की बात कर रहे हैं तो वहां कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं टोपोग्राफिक फीचर हैं यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स ओके चलिए आगे चलते हैं लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक सो दे वॉज न्यूज रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विच ज कॉट होल्ड ऑफ सर्टन रैकेट्स जो पोचिंग कर रहे थे जो इन जो है जानवरों के स्किन की उनके बॉडी पार्ट्स की तस्करी कर रहे थे उसमें ट्रेड कर रहे थे विच इज बैंड अंडर द इंडियन लॉज ओके सो लेट्स टेक अ लुक सो जो, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है द डब्ल्यू सी सी बी इट हैज आइडेंटिफाइड टू एपी सेंटर्स ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी कि अनंतनाग एरिया जो है श्रीनगर का और मनवाल एरिया जम्मू रीजन का यहाँ पे दे हैव कॉट होल्ड ऑफ दीज सेंटर्स विच वर दीज इलीगल सेंटर्स विच वर बीइंग रन सो जो ये बॉडी है इफ वी टॉक अबाउट दिस बॉडी द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ठीक है स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है क्योंकि ये क्रिएट की गई थी बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ओके जो एक्ट यहाँ पे जिस एक्ट के तहत हम बात कर रहे हैं इस बॉडी की सो दिस एक्ट हैज क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर बॉडी दैट इज द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और जो ये बॉडी है दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो पर्यावरण मंत्रालय है आपका द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दिस मिनिस्ट्री इट supervises the wildlife crime control bureau okay what next is the mandate is body ki jo ye bureau hai isko mandate kiya gaya hai ya aap keh sakte ho it has been tasked to collect and collate intelligence related to organized wildlife crime activities, wildlife लाइफ और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से रिलेटेड जो भी क्राइम एक्टिविटीज हो रही हैं जो भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं गैर कानूनी उन एक्टिविटीज को उनके ऊपर नजर रखना उनकी इंटेलिजेंस जो है कलेक्ट करना उसको इकट्ठा करना और उसकी रोकथाम करना ये इस बॉडी को जो है जिम्मा दिया गया है जिसको हमने एस्टेब्लिश किया है इस एक्ट के तहत ठीक है सो दिस इज द मैंडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी वेन एवर देर इज अ बॉडी विच इज इन न्यूज वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी कैन आस्क यू इट कैन आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन

What does it say? It provides for the protection of the wild animals of India, birds, plant species. सिर्फ अगर यहाँ पे trick करने के लिए मैं ये बोलूँ कि the Wildlife Protection Act of 1972 provides for the protection of only the wild animals, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की बात नहीं कर रहा है ये एक्ट एक्ट जो है एक्सटेंड करता है बर्ड्स को भी प्लांट स्पीशीज को भी ठीक है होलिस्टिकली एनवायरमेंट में जो स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं बी इट एनिमल्स बी इट प्लांट्स बी इट बर्ड्स दिस एक्ट साजेस द प्रोटेक्शन इट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू ऑल ऑफ दीज स्पीशीज विच को एग्जिस्ट विद द ह्यूमन रेस ओके एंड वॉट डज इट से दैट इट वॉन्ट्स टू एंश्योर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी फाइन चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू यू द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एज अ बॉडी द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 देखो इस एक्ट से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस इज में आ चुके हैं पास्ट में यूपीएससी हैज आस्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू फाइन तो लेट्स पॉलिटिकल द पॉलिटी एस्पेक्ट अगर इसमें हम पॉलिटी एस्पेक्ट की बात करें द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से विद रिस्पेक्ट टू द वाइल्ड लाइफ दैट वॉट आर द ड्यूटीज बींगजन ऑफ इंडिया वॉट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से हां जी यहां तक क्लियर है देखें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इसका एक बार प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इज इट क्लियर टू एवरीबडी बिफोर वी मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट वट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ओके अन्य विकास ठीक है ओके ओके तो देखो जो 48 ए आर्टिकल है आपका The Article 48A of the Indian Constitution, it says, or rather, it directs the state to protect and improve the environment and safeguard wildlife and forests. जो 48A Article है संविधान का हमारा, वो ये state को या सरकार को direct करता है कि आप जो है प्रोटेक्ट करेंगे इम्प्रूव करेंगे जो पर्यावरण है उसकी कंडीशन को सेफ करेंगे वाइल्ड लाइफ को फॉरेस्ट को तो ये कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं ये संविधान ने एक ड्यूटी जो है वो इम्पोज की है दिस इज वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अपॉन द स्टेट दैट दिस इज एन ऑब्लीगेशन यू मस्ट डू इट दिस इज नो चैरिटी और दिस इज नो यू नो आउट ऑफ योर स्वीट विल यू आर नॉट डूइंग दिस इज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू सो टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ द फॉर एंड आर्टिकल इट वॉज नॉट एडेड इन दिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स दिस एडेड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो फोर्टी एट ए की बात कर रहे हैं वो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एड की गई थी ठीक है तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है डायरेक्टली दैट द आर्टिकल विच प्रोवाइड फॉर दी और दि डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दायरमेंट वाइल्ड लाइफ वॉज प्रेजेंट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एट द दमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज प्रेजेंट एट द दमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी 1976 में फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिस आर्टिकल वॉज एडेड ओके चलिए अगला आर्टिकल जो है फिफ्टी ए जो बात करता है इस इन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग नेक्स्ट इज द आर्टिकल फिफ्टी वन ए विच सेज दैट इट इम्पोजेस सर्टन फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारत के लोगों की सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हम नागरिक जो हैं भारत के हमारी नागरिक होने के तौर पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और ये वह ये जो आर्टिकल है 51 ए वो इसी बारे में बात कर रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट आर व्हाट व्हाट डज इट से दैट वन ऑफ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें आप इंक्लूड करते हो फॉरेस्ट को लेक्स को सिर्फ जंगलों को नहीं वॉटर बॉडीज को भी साथ में फॉरेस्ट को लेक्स को रिवर्स को वाइल्ड लाइफ को और साथ ही साथ ये क्या कह रहा है टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स ठीक है सद्भावना एक होनी चाहिए एक कंपैशन होना चाहिए that these are also the equal inhabitants on this planet jo hai the planet earth on which we reside we are not the sole inheritors or we are not the sole beings who have all the right to live and enjoy the resources these animals these birds this wildlife they all have equal right of existence here ह्यूमन रेस हैज टू शो कंपैशन फॉर देम ठीक है सो so ये प्रोमिनेंटली दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यह बात करते हैं कि सरकार का क्या जिम्मा है वट इज द रोल ऑफ द स्टेट वॉट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हांजी यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए बिफोर वी गो ए हेड एंड टेक अ क्वेश्चन ऑन एट एम आई क्लियर अंटिल दिस पॉइंट हां जी फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कंफर्म करो यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं तो हम फिर क्वेश्चन देखते हैं ओके ग्रेट धीमान से इज क्लियर सर अतीत से इज यस Thank you, thank you for confirming, so let us take a look at the question, so consider the following statements with respect to sites, sites was conceptualized in 1963 at a meeting of the IUCN, second statement sites is administered by the World Wildlife Fund for Nature. इट स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा हां जी फटाफट इसका आंसर बताओ अब कमेंट बॉक्स में टाइप करके ओके एंड मोल ऑल्सो से इज येस ग्रेट हां जी इसका आंसर इसका क्या आंसर होगा प्लीज टाइप द आंसर इन द लाइव चैट ओके okay. सो so I'll वेट फॉर अ कपल ऑफ seconds till यू guys टाइप द आंसर here। हां जी बाकी लोगों के आंसर्स कहाँ हैं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आप प्लीज टाइप करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में देखो क्लास इंटरएक्टिव होती है तभी मजा आता है ओके सौम्या रोशनी वी हैव आंसर्स फ्रॉम धीमान सौम्या एंड रोशनी एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल अतीत अनमोल ओके आई हैव गॉट अनमोल आंसर आल्सो हां जी विकास सौम्या ओके अतीत का आंसर भी आ गया चलिए ठीक है ठीक है गाइस देखते हैं अब जो ये स्टेटमेंट है जो पहली स्टेटमेंट है साइट्स वॉज कंसुलाइज इन एट अ मीटिंग ऑफ द आईयूसीएन यस जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है 1963 में में इसकी एक बैठक साइट्स जो है उसको हमने कंसेप्चुलाइज किया था सो दिस स्टेटमेंट हेयर इज करेक्ट 1960 देखो यहां पर कंफ्यूज मत करना 1975 में साइट्स केम इनटू फोर्स इट केम इनटू फोर्स In the year 1975, but it was conceptualized in the year 1963 itself. So, do not confuse between these two things. जो कन्वेंशन की बात कर रहे हैं साइट्स की, it was conceptualized in the year 1963. It came into force in the year 1975. ठीक है, so ये दो चीजों में कन्फ्यूजन मत रखना। बी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ठीक है चलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है साइट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर सो दिस स्टेटमेंट हेयर इज इन करेक्ट साइट्स जो है उसको एडमिनिस्टर करती है कौन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम दैट इज दू एन ई पी

जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो हमारा व्यापार होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज का उसके रिगार्डिंग एक कन्वेंशन है सो सेकेंड इज व्हिच इज इनकरेक्ट सो आंसर हेयर बिकम्स सी दैट इज टू ओनली ओके जी ये क्लियर है ये क्वेश्चन क्लियर है स्टेटमेंट्स क्लियर है सारी कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है और क्यों मुझे कंफर्म करके बताओ उसके बाद आगे चलते हैं हाँ जी इज दिस क्लियर टू एवरीबडी प्लीज टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप यस देन वील प्रोसीड फर्दर ओके ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू फॉर कंफर्मिंग विकास अनन्या अतीत धीमान चलिए अब डिफेंस से रिलेटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो मैन्युफैक्चर होके सुखोई जेट्स आए हैं इंडियन एयरफोर्स के पास उसके रिगार्डिंग जो है दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट सो लेट्स टेक अ लुक के HAL ने क्या डेवलप करके दिया है तो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड जो हमें पता है एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है इट हैज मैन्युफैक्चर द लास्ट टू ऑफ द टू सेवेंटी टू सुखोई थर्टी एम एयरक्राफ्ट ये इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने के लिए इन्होंने दो और सुखोई थर्टी एम के आई एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर दिए हैं और इंडियन एयरफोर्स जो है उसको डिलीवरी एच जल्दी दे देगा इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की द इंडियन एयरफोर्स विल गेट दिस डिलीवर्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो दो ये एयरक्राफ्ट हैं इसमें एक में जो है वन एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड एंड इंडक्टेड फ्रॉम फॉर ब्रह्मोज मॉडिफिकेशन जो हमारी मिसाइल है ब्रह्मोज उसको इसमें जो है ऐड करके एयरफोर्स को जो है दिया जाएगा सो दैट दे कैन डिप्लॉय इट फॉर देयर मिशन एंड दे कैन यूज द ब्रह्मोज मिसाइल विद इट जो सेकेंड एयरक्राफ्ट है जिसकी बात हो रही है इट हैज बिन प्रोड्यूस एंड प्लांटेड एंड प्लान टू बी सर्टिफाइड बाई फेब्ररी एंड इसमें जो है जो भी मॉडिफिकेशन और रिक्वायर्ड हैं वो इस महीने के एंड तक एच जो है कंप्लीट कर देगा दिस इज वॉट द आर्टिकल सेज ओके प्रोड्यूस जो है एच ने कर दिया है दूसरे एयरक्राफ्ट को भी एंड इट विल सर्टिफाइड बाय द मंथ एंड दैट इज दी एंड ओके ऑफ द 272 सेवेंटी टू फाइटर्स ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुखोई एयरक्राफ्ट की उसमें से दो सौ बहत्तर जो ये एयरक्राफ्ट हैं फोर्टी आर बींग मॉडिफाइड टू कैरी एयर लॉन्च वर्जन ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोज है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका जो एयर लॉन्च वर्जन विच दिस एयरक्राफ्ट इज सपोज टू कैरी फोर्टी एयरक्राफ्ट आर बींग रेडीड टू कैरी द एयर लॉन्च वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल दैट इज द क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोज है ये कोई बता सकता है मुझे ब्रह्मोस जो है वो कैसे डिराइव हुआ है वट दिस ब्रह्मोज स्टैंड फॉर ये सिर्फ इंडियन इंडियन इंडिजिनस डेवलपमेंट है या हमारा इसमें किसी और कंट्री के साथ कोलेबोरेशन रहा है हां जी कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि जो ब्रह्मोज है इज इट सोल वेंचर ऑफ द इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और वी हैव कोलेबोरेटेड विद एनी अदर कंट्री फॉर डेवलपिंग इट Yes, yes, exactly, Ananya, exactly, Atit. Very good, very good. Brahmaputra and Moskva, these are the two rivers. Brahmaputra, Jo, Indian river, hai, and Moskva, the Russian river from which this word has been derived, that is Brahmos. Okay. No, Dhiman, no, not with France. We have jointly developed it with Russia. बिल्कुल इंडिया एंड रशिया हैव कोलैबोरेटेड यस वेदांत बिल्कुल अनमोल नहीं कंप्लीटली इंडिजिनस नहीं है अगर आप अगर आप बोलो कंप्लीटली इंडिजिनस है उसका मतलब कि हमने किसी के साथ जो है कोई कोलैबोरेशन ना करते हुए सिर्फ खुद बनाई है पर ऐसा नहीं है रशिया के साथ कोलैबोरेट करके ये डेवलप की थी इंडिया ने ठीक है ये बात क्लियर रखना दिस इज एन इंपॉर्टेंट मिसाइल म, म, जो ब्रह्मोस है इस पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है ब्रह्मोस पे ठीक है इंडिया और रशिया का जॉइंट डेवलपमेंट था ये चलिए वापस आते हैं इस पे तो यहां हमने बात करी कि 40 एयरक्राफ्ट जो है इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि वो ये मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन जो है वो कैरी कर सके ओके और इसके साथ साथ जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इट इज गेयरिंग अप फॉर ऑर्डर ऑफ एट्टी थ्री इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एल सी ए तेजस ठीक है एच ए एल जो है यहां एच ए एल अब रिलेटिवली जो ये ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं सुखोई एयरक्राफ्ट के सो वॉट नाव एच एल हैूविंग इन टू द डायरेक्शन फॉर मैनुफैक्चरिंग द एल सी ए तेजस जो ये वाला एयरक्राफ्ट है इसको बनाने के लिए यस वेदांत एक्जैक्टली पॉइंट इज टेकन अग्नि मिसाइल जो है वो हमने डेवलप की है अग्नि मिसाइल जो है वो हमने डेवलप की है येस योर स्टेटमेंट इज टेकन एक्सेप्टेड ओके ठीक है तो यहां पर तेजस के बारे में भी यह कहा है एच एल ने कि दे आर गोइंग टू नाउ मूव टुवर्ड्स दी प्रोडक्शन ऑफ एल सी ए तेजस ठीक है चलिए नाउ लेट्स लुकअ द क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एच एल इज अटेट ओन्ड इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवं एंड सेकेंड स्टेटमेंटियम रेंज सुपरसोनिकॉन्च फ्रॉम सबमरी एयरक्राफ्ट और लैंड एंड दर्ड स्टेटमेंट इंडिया इज येट टू कंडक्ट अ टेस्ट फायर ऑफ अ लैंड अटैक वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हांजी क्या आंसर होगा इसका मुझे टाइप करके प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में व्हाट डू यू थिंक विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फटाफट से बताओ आंसर्स क्या होंगे जो हम बात कर रहे थे एच एल की ब्रह्मोस की उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स प्लीज टाइप देम इन द कमेंट बॉक्स ओके सो वी हैव अनमोल वी हैव सौम्या हां जी बाकी बच्चों के आंसर्स वेदांत ओके जी फटाफट टाइप करके बताओ बाकी लोग भी अपने आंसर्स ओके धीमान का वी हैव आंसर फ्रॉम धीमान आल्सो हां जी हां जी बाकी लोगों के आंसर विकास अनमोल्स अनमोल से सी ठीक है वी हैव आंसर फ्रॉम फ्यू ऑफ यू नाउ सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है कि एच जो है इज अ स्टेट फर्म विच फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये जो है गलत स्टेटमेंट है यहां पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नहीं इट इज दी डिफेंस मिनिस्ट्री इट इज दी डिफेंस मिनिस्ट्री एंड नॉट द सिविल एविये मिनिस्ट्री Okay, so this statement here is incorrect. The second statement, which says BrahMos is a medium range superso supersonic cruise missile which can be launched from submarine, ship, aircraft, or land. Yes, it is a multimodal e missile which can be launched from all these mediums. Theek hai? or India is yet to conduct a test fire of a land attack version of the BrahMos missile. ये स्टेटमेंट जो है अगेन इट इज इनकरेक्ट क्योंकि हमने जो है 2020 में सक्सेसफुली ये कंडक्ट किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर ओनली सो दिस वाज़ नॉट वेरी बैक दिस वाज़ रिसेंटली दिस वाज़ अ रिसेंट डेवलपमेंट विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दैट वी टेस्ट फायर अ लैंड अटैक वर्जन ऑफ द ब्रह्मोज एक्स ब्रह्मोज मिसाइल जी नवंबर में ही जो है इंडिया ने जो लैंड हम बात कर रहे हैं लैंड बेस्ड अटैक ऑफ द ब्रह्मोज मिसाइल वो सक्सेसफुली वी टेस्ट सक्सेसफुलर डेट फाइन सो दिस स्टेटमेंट इज हेंस इनकरेक्ट जो तीसरी स्टेटमेंट है इसलिए वो गलत है तो आपका आंसर यहां हो गया द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकम वन एंड थ्री दैट इज एप्शन ओके हाँ जी ये क्लियर है सभी लोगों को एम आई क्लियर एम आई इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबडी प्लीज कंफर्म ओके ओके ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप येस इफ दिस इज क्लियर टू यू अगर ये क्लियर है तो प्लीज बता दो मुझे एक बार ठीक है ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू थैंक यू फॉर कंफर्मिंग ओके सो डू ऐड दीज थिंग्स ये लिख के अपने नोट्स में ऐड कर लेना ताकि आपको जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भूले ना ये याद में रहे चीज़ें पेपर तक ठीक है आई होप यू आर एबल टू गेन आउट ऑफ दिस सेशन कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज फ्री फ्रीली पूछ लिया करो आई एम मोर देन हैप्पी टू क्लियर टेक ऑल योर डाउट्स टू क्लियर देम ठीक है सो विल मीट टू मोरो एट एलेवन ए अंटिल देन स्टडी वेल एंड बी सेफ थैंक यू सो मच